CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम धीमा जहर। ये जो ई-वेस्ट है ये उनका है काम, जिनके पास है ये तमाम, कचरे में फेंके बिना सोचे इसका प्रभाव। हेलो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आते ही मैंने ये सब क्या शुरू कर दिया, पर जनाब आप ही सोचिए, जब हमारा जिंदा दिल राजू गंभीर होकर कुछ बोलता है तो उसके पीछे क्या कुछ नहीं छिपा होता। वैसे भी आप तो सोच रहे होंगे कि घर से कचरा निकले फिर उसका क्या होता है, हमें उससे क्या, लेकिन राजू की जिंदगी हमारी इस नासमझी और लापरवाही से बदल गई। अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और यही सवाल है छोटू का भी। तो चलिए खुद राजू से ही इसका जवाब जान लेते हैं। अच्छा तो राजू ये बताओ, तुमने इस ई कचरे को जानलेवा क्यों कहा? अरे मुझे बड़े साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट को अवैज्ञानिक तरीके से खुले में जलाने से कार्सिनोजेंस, डायबेंजो पैराडियोक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन जैसी जहरीली गैसों का हम पर कई तरह से बुरा असर पड़ता है। अच्छा? हाँ, इन गैसों से मानव शरीर में प्रजनन क्षमता, शारीरिक विकास एवं रोग प्रतिरोध क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही हार्मोनल असंतुलन और कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। पता है छोटू, इसके अलावा इससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पैदा होती है, जो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे वायुमंडल एवं ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओह, तो देखने में इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना आकर्षक है उससे ज़्यादा तो ये हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। बिल्कुल, मैं तो इस मोबाइल को देखकर ऐसे ही खुश हो गया। वैसे हमारे इलाके में भी तो बहुत से लोग बिजली के उपकरणों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, और तुम्हारे बाबा भी तो इस काम से ही जुड़े हुए थे ना? हाँ छोटू, बाबा भी कई सालों तक इस ई कचरे के काम से जुड़े हुए थे, और 4 साल पहले एक बैटरी फटने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए थे। उस हादसे के बाद डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के बाद बताया कि वो कभी बिस्तर से उठ नहीं सकेंगे। ओह दोस्तों, राजू और छोटू जब आपस में ये बात कर रहे थे तो पीछे खड़े बड़े साहब ने उनकी बातों को सुना, जो तभी वहां पहुंचे थे। उन्होंने राजू की बात सुनकर कहा, राजू बेटा, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। सर, आप यहाँ कैसे? अरे राजू बेटा, मैं यहीं सामने वाली कॉलोनी में ही रहता हूँ। अपने घर की तरफ जा रहा था और तुम दिख गए, तो मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया सर। छोटू, तुम हमारे बड़े साहब के बारे में पूछ रहे थे ना? हाँ? यही है वो। सर, ये मेरा दोस्त छोटू है। नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते बेटा छोटू। साहब, राजू बता रहा था कि आपको बहुत कुछ आता है। तो मैं भी आपसे जान सकता हूँ कुछ? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बताओ क्या जानना चाहते हो? राजू बता रहा था कि इस ई कचरे से बहुत हानिकारक गैस निकलती है और इससे हमारी मौत भी हो सकती है। हाँ छोटू, ये बिल्कुल सही है। देखो, कुछ लोग ना आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बड़े शहरों में जो बहुत ज्यादा मात्रा में ई वेस्ट पैदा होता है ना जी, उसे अवैध रूप से लाकर टुकड़ों में अलग किए जाने का काम करते हैं, और अवैज्ञानिक तरीके से खुले में अवैध रूप से जलाकर धातु इकट्ठा करने का काम करते हैं। अच्छा, और पता है इससे क्या होता है? इससे शहर के पर्यावरण और आम जनता की सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार जलाए गए ई वेस्ट के अवशेष की ड्रम बॉल में पिसाई की जाती है, फिर उसको छलनी से छाना जाता है और बची हुई राख की धुलाई की जाती है। ओह अच्छा। हाँ बच्चों, देखो ये जो ई वेस्ट होता है ना,
जी। इसकी राख में कई तरह की जहरीली धातुएं होती हैं, जो कि पानी के साथ मिलकर नदी के पानी को भी जहरीला करने के साथ साथ नदी के किनारों पर जमा हो जाती है, जिससे नदी लगातार उतली होती जाती है, यानी नदी गहरी नहीं रहती। ऐसी राखों में हवा में जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकल और लेड की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई है। अरे बाप रे। वायु में इन जहरीली धातुओं के होने का मुख्य स्रोत ई वेस्ट का जलाया जाना है, और ये वातावरण में रहकर सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर विभिन्न अंगों को अपने जहर से प्रभावित करती है। अरे बाप रे। हाँ छोटू, सर ठीक कहते हैं। मैंने तो इस बारे में एक कविता भी पढ़ी है। अच्छा, तो भाई हमें भी सुनाओ। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। जी जरूर, तो सुनिए। ई वेस्ट की राख होती है जहरीली, ई वेस्ट की राख होती है जहरीली, इससे तो खतरे में आ जाती है हरियाली। ई वेस्ट की राख को जब फेंका नदिया में, जहरीली धातु ने जहरीला जल किया नदिया में। जहरीली धातु ने जहरीला जल किया नदिया में। जी, ई वेस्ट चलाना भी काम नहीं कुछ आता, धुआं इसका हवा को भी जहरीला कर जाता। सांस ना ले पाए कोई, इसमें पानी ना पी पाता, इस कचरे का निपटान एक समस्या बन जाता। हाँ, इस कचरे का निपटान एक समस्या बन जाता। ई वेस्ट मानव का दुश्मन है बन जाता, विभिन्न अंगों को अपने जहर से ये प्रभावित कर जाता। ई वेस्ट की राख होती है जहरीली, ई वेस्ट की राख होती है जहरीली, इससे तो खतरे में आ जाती हरियाली। जी, इससे तो खतरे में आ जाती हरियाली। बहुत अच्छे राजू। अरे अरे, ये तो बहुत ही खतरनाक कचरा है। मैं इस फोन को अभी फेंक देता हूँ, वरना ये मुझे भी बीमार कर देगा। अरे छोटू, परेशान मत हो। ई कचरे की सही जानकारी के साथ हम सब मिलकर इसके खतरे को कम कर सकते हैं। अच्छा। हाँ छोटू, सर ठीक कहते हैं। तुम चिंता मत करो, अभी इससे हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी सर ने इसके सही निपटान के बारे में बताया है कि कैसे हम इसके बुरे असर से बच सकते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे भी ई कचरे के सही निपटान के बारे में बताइए ना। हाँ जरूर बताएंगे। देखो भाई छोटू, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण को हरे या नीले कचरे के डब्बे में नहीं डालना चाहिए। जी। बल्कि काले रंग के कूड़ेदान में इसे डालना चाहिए। अच्छा। और अगर घर की बात करें तब भी इसे अलग से इकट्ठा किया जाना चाहिए, और ई वेस्ट कलेक्टर यानी जो इन उपकरणों को इकट्ठा करते हैं उनको बुलाकर या फिर फोन करके दे देना चाहिए। अच्छा। ई वेस्ट कलेक्टर जैसा भी कुछ होता है क्या? हाँ झूठू, होता है। देखो, जैसे आज घर घर तक कचरा लेने के लिए सरकारी गाड़ियां आती हैं ना, या जगह जगह नीले और हरे रंग के कचरे के डब्बे रखे हैं जी, जिनमें हम सूखा और गीला कचरा अलग से डाल सकते हैं। वैसे ही सरकार ई वेस्ट कलेक्शन के लिए भी काम कर रही है। इसके साथ कई अन्य संस्थाएं भी इसके लिए काम करती हैं। अच्छा। हाँ, जब हम अपने घर में या ई वेस्ट बिन में इसे इकट्ठा कर देते हैं तो इसे लेने के लिए हमें बस उनको फोन करना है, वो घर पर आकर ई वेस्ट ले जाते हैं। ओह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। पर वो लोग भी तो इसे जला देते होंगे ना, तब भी तो जहरीली गैस निकलेगी इससे। बहुत अच्छा सवाल है राजू तुम्हारा। देखो, वो इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल तरीके से, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, ऐसे तरीकों से इस ई कचरे को बांट देते हैं। अच्छा, तो साहब हमें भी इसका पूरा तरीका समझना है। देखो छोटू, जो ई वेस्ट कलेक्टर होता है ना, वो इसे कलेक्शन सेंटर पर ले जाता है। ये वो केंद्र होते हैं जहां इन उपकरणों को तोड़कर इनमें से दोबारा इस्तेमाल होने वाला सामान, मेटल या धातु और रिसाइकल होने वाला सामान अलग किया जाता है। सर, जो सामान किसी काम का नहीं होता, उसका क्या होता है? राजू, जो सामान बेकार होता है ना या दोबारा किसी इस्तेमाल के लायक नहीं होता जी, उसे इको फ्रेंडली तरीके से नष्ट कर दिया जाता है, जिससे जहरीली गैस भी नहीं निकलती।
इसके बाद रिसाइकल होने वाले सामान को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लायक बनाने के लिए रिसाइकल सेंटर या केंद्रों पर भिजवा दिया जाता है। अच्छा, अरे राजू, ये तो साहब ने बहुत अच्छी बात बताई हमें। इससे ना सिर्फ हम स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारा पर्यावरण भी साफ और स्वच्छ बना रहेगा। पर इसके लिए किस तरह का काम किया जा रहा है हमें ये भी बताइए ना। ठीक है भाई, जरूर बताएंगे। देखो, ये जरूरी है कि लोग ई कचरे को गलत तरीके से न फेंकें जी, और इस तरह से हम इसके बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। और इसके लिए सरकार काफी काम कर चुकी है। अच्छा। इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं। अच्छा। और साथ ही क्लीन टू ग्रीन अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम उनकी वेबसाइट या एक फोन कॉल के जरिए ई वेस्ट के निपटान के लिए मदद ले सकते हैं। ओह, अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की बात पता चली आज हमें। और देखो, यहाँ तुम दोनों को मैं एक बात और बता दूं जी, कि जैसे हम हरे डिब्बे में जैविक यानी गीला कचरा, जो बचा हुआ खाना, सब्जी या फल वगैरह डालते हैं जी, और नीले डिब्बे में सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पैकेट्स, मेटल का सामान आदि डाला जाता है जी, वैसे ही ई कचरे के लिए काले रंग के कचरे का डिब्बा होता है। हाँ, और इनके अलावा पीले रंग के कचरे के डिब्बे को चिकित्सा संबंधी कचरा, जैसे इस्तेमाल की गई रुई, सुई, इंसानों या जानवरों के अवशेष, एक्सपायर्ड दवाइयाँ आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाँ बेटा, और लाल कचरे का डब्बा जो होता है ना जी, वो हानिकारक कचरे और रसायन के लिए इस्तेमाल होता है। और हाँ, एक सफ़ेद कचरे का डिब्बा भी होता है, तुमने कभी देखा हो तो। हाँ 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 हाँ, उसे हम धारदार या नुकीली चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इस सबसे कचरा बीनने वालों के स्वास्थ्य पर भी कोई असर नहीं पड़ता, और साथ ही वो किसी संक्रमण या दुर्घटना के शिकार होने से भी बच जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्यों छोटू, अब तुम्हें सारी जानकारी मिल गई ना। हाँ राजू, साहब तो बहुत आसान तरीके से सब समझा देते हैं। सही जानकारी के साथ अब हम भी अपनों को ढेरों बातें बता सकते हैं। जरूर बताना भाई, तुम सबको जाकर ये। जी जी, जी। अच्छा भाई, तुम दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी सर। और अगर ऐसे ही सब लोग जागरूक हो जाए ना, तो हमारा देश अभी से इस आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। जी सर, सर फिर से मिलिएगा, मुझे आपसे बहुत कुछ जानना है। जरूर मिलूंगा और तुम्हें बहुत सारी बातें बताऊंगा। जी सर, सर मैं आपसे कल सुबह स्कूल में मिलता हूँ। हाँ, मुझे कुछ पूछना भी था आपसे अपने होमवर्क के लिए। जरूर, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और छोटू, एक बात का तुम ध्यान रखना, कि जो बातें मैंने तुम्हें अभी बताई हैं, ये तुम अपने सब जानने वालों को जाकर बताओ। जी सर, जरूर जरूर। ठीक है सर, सुबह मिलते हैं सर। ठीक है, ठीक है। राजू के पिता कचरे के साथ बहुत से बिजली के उपकरण ले आते थे, और फिर उन्हें तोड़कर उनके अंदर से कई पार्ट्स और धातुएं अलग करते थे। इसी दौरान वो ई कचरे से हुई दुर्घटना की चपेट में आ गए। उन्हें तो इस बारे में नहीं पता था, लेकिन राजू इस जहर से सावधान है। ई कचरा वो धीमा जहर है जो हमारे आसपास हवा में मौजूद रहकर हमें बीमार करने का काम करता है। इसकी चपेट में केवल वो लोग नहीं आते जो बिजली के उपकरणों को जलाने या तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं, लेकिन वो लोग भी आते हैं जो इस हवा में सांस लेते हैं। ई कचरे से निकली जहरीली गैस इतनी खतरनाक होती है कि इससे हमारी मृत्यु तक हो सकती है या हमारे अंग प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ई कचरे का सही तरीके से निपटान करना जरूरी है, और इसके लिए काले रंग के कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। इससे कूड़ा बीनने वाले लोगों को भी नुकसान नहीं होगा और न ही हमारे पर्यावरण को। जैसा कि बड़े साहब ने बताया कि इसके लिए भारत सरकार क्लीन टू ग्रीन अभियान चला रही है, आप भी अधिक जानकारी के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं।
राजू ने तो जानकारी साझा करके अपना काम कर दिया। आप भी अपने स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के लिए ई कचरे के खिलाफ चल रही मुहिम से जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी फैलाएं। तो आइए राजू की कविता को आगे बढ़ाते हैं और स्वच्छ पर्यावरण के लिए हम सब आगे आते हैं। ई कचरे का सही तरीके से निपटान बहुत जरूरी, काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग बहुत जरूरी, सफाई कर्मियों को नुकसान नहीं कुछ होगा, पर्यावरण सुरक्षित और मानव भी खुश होगा। इस प्रयास से ई कचरा जहर नहीं बन पाएगा, हरियाली होगी तो मानव स्वस्थ भी रह पाएगा। धीमा जहर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, आचार्य शिक्षा शास्त्र CIET NCERT, कलाकार नीरज शर्मा, किशोर साहिजानी, आकाश आहूजा तथा तारक आहूजा, ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और विकास सांगवान, आभार वंदना अरिमर्दन, आलेख निर्माण और ध्वनि संपादन मीनाक्षी कुकरेती तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।